लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कम्फर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन हो। सर, आपकी पहली सॉटी कैसी रही, कैसा अनुभव? बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही स्मूथ थी। और हमारे साथ मिस्टर दीपक बिश्नोई ये उसमें पायलट थे जिन्होंने मुझे फ्लाई किया। ही वाज द फ्लाइंग ऑफिसर। सर, तो हम मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं, मेक फॉर वर्ल्ड कर रहे हैं हम लोग, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सर, आपने इससे पहले भी हेलीकॉप्टर में सॉटी ली है, आपको लगता है कि जो विदेशी अपाचे है या तमाम हेलीकॉप्टर से उनको बीट कर सकता है ये हेलीकॉप्टर? नहीं, अपने बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। मैं समझता हूँ कि एक हेलीकॉप्टर की दूसरे हेलीकॉप्टर से तुलना करने की भी कोई बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मैंने कहा, यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। और साथ ही अपने टारगेट को अटैक भी कर सकता है। सर, भारतीय सेना को भी दरकार ये अटैक हेलीकॉप्टर। सर, भारतीय सेना को भी चाहिए ये हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना भी तो इसका उपयोग करेगी। सर, आपने तेजस में भी फ्लाई किया, बेल सी एच, आपको लगता है कि रक्षा मंत्री के फ्लाई करने से दुनिया को भरोसा होगा भारत के प्रोडक्ट से? नहीं, दुनिया में भारत के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि हर मामले में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। और मैं तो कह सकता हूँ, प्रचंड, मैं समझता हूँ प्रचंड इस शब्द को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यह स्वयं में ही प्रचंड जो संदेश देना चाहिए अपने दुश्मन को, वह संदेश देने में यह पर्याप्त है।